अरविंद केजरीवाल की सरकार के नियंत्रण की जेल में उन्हीं के पार्टी के कितने बड़े व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार में जेल में है उसकी जान को खतरा कैसे हो सकता है और माहौल बनाए वो कि भारतीय जनता पार्टी उनको जेल में मरवाना चाहती है। तो मुझे लगा कि ये कोई तो बड़ी साजिश है, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल को जानता हूँ, वो झूठ के चैंपियन हैं मगर साजिशों के मास्टर हैं। चूंकि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे राज हैं, ये जितनी पूछताछ हो रही है तो इसमें अगर मनीष सिसोदिया ने मुंह खोला तो मनोज तिवारी नहीं फंसेंगे, फंसेंगे अरविंद केजरीवाल। तो दो ही चीज़ हो सकता है कि या तो वो सारे साक्ष्य दे दें कि हमारी कोई गलती नहीं है, और नहीं तो जैसे व्हाट्सएप चैट रिट्रीव कर लिए गए हैं, 170 मोबाइल 6 महीना में खरीदे गए हैं, 170 किसी और नाम से उपयोग किया है मनीष सिसोदिया और उनके जो क्लोज सर्किट लोग हैं, और उसमें 14 मोबाइल के व्हाट्सएप पूछने के बाद भी रिट्रीव कर लिए गए, और उसी के आधार पे आज ईडी जब मनी लॉन्ड्रिंग का पूछताछ कर रही थी तो सीबीआई के बाद अब ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब वो आज से वो ईडी के गिरफ्त में है। तो मेरा माथा ठनका कि अरविंद केजरीवाल की जेल में मनीष सिसोदिया की जान के खतरा कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये माहौल बना के मनीष सिसोदिया को खुद मरवाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो उनके राज जानते हैं। अब ये बात मैं जब से बोला हूँ, आज दिन भर यही चल रहा था, तब से एक अलग वंडर मचा हुआ है। लेकिन सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन जेल में थे, अभी हैं, तो सत्येंद्र जैन के जेल के कमरे में दिन भर में 14-15 लोग आते थे, और वही सत्येंद्र जैन जो कोर्ट में बोले थे कि हमारा याददाश्त चला गया है, वो डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे हैं और खूंखार अपराधी उनकी मालिश कर रहे हैं, मसाज करा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि जेल उनकी है। तो हम लोगों ने उसकी आवाज़ उठाई कि भाई आप जेल का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं, और उसी जेल में मनीष सिसोदिया को खतरा कैसे हो सकता है। इट मीन्स कि देयर इज समथिंग बिग, कुछ न कुछ ऐसी साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें हमने आज बोला है कि मनीष सिसोदिया को और सुरक्षा दिया जाए, वरना अरविंद केजरीवाल उनको रास्ते से हटाने के लिए, राज न निकले इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारा 9 बीता, अब शाम को बनारस आया हूँ, अपने भांजे का एक सगाई थी और आपसे बात हो रही है।